अब यहाँ पे COH, HOH, CH3। अब यहाँ पे देखना इस केस में इसी का एक और मिरर इमेज लिया जाए, एक और कंपाउंड हो यहाँ पे OH, COH, H और CH3। तो सबसे पहले देखना कि ये दो जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या है, इनांसियोमर है या नहीं है। कैसे चेक करना, मैंने दो दो तरीका बताया हुआ है। सिंपली नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दैट मीन्स मिरर इमेज तो बट वो सुपर इम्पोज ना करे, या फिर कन्फिग्रेशन वाइज। तो कन्फिग्रेशन वाइज भी निकालोगे, एक का आर होगा तो दूसरे का एस होगा, दैट मीन्स अपोजिट आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो निकाल के। या सिंपली मिरर इमेज से अगर चेक करोगे यहाँ पे, सही है, इसमें सिंपली अगर मिरर इमेज से चेक करोगे इसमें, ये क्या होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज आ रहा है बट ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकेंड वाले को अगर फर्स्ट पे सिंपली सुपर इम्पोज कराओगे तो वर्टिकल लाइन वाला तो ग्रुप सुपर इम्पोज करेगा, बट हॉरिजॉन्टल लाइन का इधर एच है, इधर ओ एच आ जाएगा यहाँ पे, वो सुपर इम्पोज नहीं रहेगा। आफ्टर रोटेशन भी सुपर इम्पोज नहीं होगा, रोटेट कराओगे 180 से तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, बट वर्टिकल लाइन अब CH3 ऊपर आ जाएगा इसमें। दैट मीन्स ये क्या है, इनांसियोमर पेयर आ रहा है। इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या है यहाँ पे, इनांसियोमर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनांसियोमर। अब इसी दोनों कंपाउंड जिसके बीच में रिलेशन इनांसियोमर है, उसी दोनों का इक्वल मोल लिया जाए, ये अगर 1 मोल और ये भी 1 मोल लेके एक मिक्सर बनाया जाए, होमोजेनियस मिक्सर, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल मिक्सर। इक्विमोलर, दैट मीन इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं यहाँ पे, इक्विमोलर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ इनांसियोमर्स इज कॉल्ड रेशनल मिक्सचर। क्लियर है डिफिनेशन यहाँ पे, रेशनल मिक्सचर क्या होता है, इनांसियोमर्स जिस दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन इनांसियोमर्स है उसको और इक्वल अमाउंट में लिया जाए, दैट मीन ये हाफ मोल तो ये भी हाफ मोल, या 1 मोल तो ये भी 1 मोल, इक्वल अमाउंट में लेकर के एक मिक्सचर बनाया जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे रेशनल मिक्सचर। नेक्स्ट है इसमें रेशमी मिक्सर में नेक्स्ट पॉइंट, तो डिफिनेशन क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है रेशमी मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, रेशमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेशमी मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल, ये वर्ड पहले भी आया होता है पीपीएल। एक पॉइंट याद हो, वो पढ़े हुए थे मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड भी क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उसका रीजन क्या लिखाया था मैंने, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल। ये इंटरनल कंपनसेशन ऑप्टिकल रोटेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है, पीपीएल क्या होता है, अभी हम लोग 10 मिनट में उसको समझ पाएंगे कि पीपीएल क्या चीज है यहाँ पे, और वहीं पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करते हैं वहां पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे, ये पॉइंट भी याद रखना है कि रेशमी मिक्सचर जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है उसका रीजन क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल, और एग्जैक्टली है क्या, अभी हम लोग बस 10 मिनट में देखने इसको। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे है कि इनांसियम, एक पॉइंट लिख लोगे उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रेशमी मिक्सर कैन नॉट बी रिजॉल्व इन टू इट्स कंपोनेंट, बाय एनी फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड कौन सा यूज करते थे हम लोग यहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रेशमी मिक्सर कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट बाय एनी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन,
एनी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन सिंस इनानसियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखना था, एक पॉइंट जो मैंने पीछे लिखाया हुआ था, देखो पेज पलट के देख सकते हो जो नोटबुक में लिखे हो गए कि इनानसियोमर्स और डायस्टियोमर्स। इनानसियोमर्स में मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ था कि इनानसियोमर्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या रहता है, वहां पे सेम होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के चलते उसको किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकता इनानसियोमर पेयर को। जबकि डायस्टियोमर्स में मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ था, जाकर के पेज पलट कर देखो कि डायस्टियोमर्स में एक पॉइंट था कि डायस्टियोमर्स पेयर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बोलने का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सोलिडिटी, ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो डायस्टियोमर्स पेयर है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के चलते उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर पाएंगे, और वो फिजिकल मेथड क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये याद रखना है। तो सिंपल सा पॉइंट है कि डायस्टियोमर्स को, जिस दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन डायस्टियोमर्स है, उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन इनानसियोमर पेयर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, जो कि एक फिजिकल मेथड है, उससे सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा उसको हम लोग फिजिकल मेथड, दैट मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डायस्टियोमर्स को तो सर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट कर लिए, इनानसियोमर्स को अगर सेपरेट आउट करना हो इसको फिर कैसे करेंगे यहाँ पे सेपरेट आउट इनानसियोमर्स को। अब इनानसियोमर्स का देखो लास्ट पॉइंट या सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने बताया होगा, इनानसियोमर्स में जाकर के देखोगे कि इनानसियोमर्स का जो केमिकल बिहेवियर होता है, दैट मीन जो केमिकल रिएक्शन होगा टुवर्ड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, वो तो सेम रहता है, बट डिफरेंट केमिकल बिहेवियर टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जाके देखो इसमें इनानसियोमर्स में, तो और क्लियर हो पॉइंट जब देखोगे पीछे पेज पढ़ करके तो फिर क्लियर होगा, हाँ सर ने लिखा है पॉइंट, और उसका एक्सप्लेनेशन आज मैं बताऊंगा यहाँ पे। इनानसियोमर्स का सेकेंड या सेकेंड लास्ट पॉइंट होगा, इनानसियोमर्स का अगर बिहेवियर देखेंगे टुवर्ड्स केमिक, ये टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसका मीनिंग यहाँ पे आज हम लोग समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डायस्टियोमर्स को तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर पाएंगे, इनानसियोमर्स को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। तो इनानसियोमर्स को सेपरेट आउट करने के लिए एक मेथड है, तो नेक्स्ट रीडिंग डालोगे यहाँ पे, यहाँ तक नोट भी कर लियोगे सब लोग। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स रेस्वे मिक्सचर, या इनानसियोमर पेयर बोलो इक्वल अमाउंट में आ रहा है तो वही रेस्वे मिक्सचर बन जाता है। तो रेस्वे मिक्सचर या इनानसियोमर पेयर को, इसको कैसे सेपरेट आउट करना है हमें, उसके लिए एक मेथड होता है केमिकल मेथड, और उस मेथड का नाम है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। यहाँ तक सब लोग नोट कर लिया हो गए, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन आता हूं मैं इस पेज आता हूं दोबारा से। तो नेक्स्ट मेथड क्या है इसमें, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। और ये ऑप्टिकल रिजोल्यूशन है क्या, इसको ब्रैकेट में यहीं पे लिख लोगे जो कि क्लियरली याद रहे, केमिकल मेथड है ये, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ इनानसियोमर पेयर। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली आ सकता है कि कोई डायस्टियोमर्स पेयर को अगर सेपरेट आउट करना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, और इनानसियोमर पेयर को, जिन दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन इनानसियोमर्स है, उस दोनों को सेपरेट आउट करना हो या रेस्वे मिक्सर का को सेपरेट आउट करना हो वहां पे, किस मेथड का यूज करते हैं, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। और ऑप्टिकल रिजोल्यूशन एक केमिकल मेथड होता है,
जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक फिजिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड बोलने का यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे हम लोग। अब देखोगे यहाँ पे, अब मान लो कि कोई कंपाउंड है जिसमें पीछे यहाँ पे ये इनानोसमार्ट क्या है, इसको मैं मान लू कि ये डी है, स्मॉल डी कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी और एल, यही एक मिक्सचर के फॉर्म में, इसी दोनों को सेपरेट करना है। इनानोसमार्ट क्या है, एक डी और एक एल है, इसी दोनों को अलग अलग करना है। अब ये मिक्सर के फॉर्म में यहाँ पे, जब इसी दोनों को सेपरेट आउट करेंगे यहाँ पे, इसमें करते क्या यहाँ पे हम लोग, तो मान लो कि एक डी है और एक एल है, ये इनानोसमार्ट क्या आ रहा है, ये एक बीकर में आ रहा है, तो डी और एल को अलग जब करेंगे, इस डी और एल का रिएक्शन एक डी डाइस को एक रिएजेंट है यहाँ पे है, उसके साथ इसका रिएक्शन करा देंगे। और ये जो डी डाइस होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डी डाइस जो लेंगे ये वो कैसा होगा, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, ये क्या हो, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव, मैं पूरा ही लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इसका मान लो कि डी डाइस जो है वो डी के साथ भी रिएक्ट करेगा और एल के साथ भी रिएक्ट करेगा यहाँ पे, ये क्या बना लेगा इसमें, डी डी डाइस और एल डी डाइस। ये डी और एल क्या यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम किए हुए हैं, ये रेस्टिव मिक्सचर है, दैट मीन इनानोसमार पेयर आ रहा है, इसी को डी और एल को अलग करना, अभी एक ही बीकर में, इसको करेंगे क्या कि डी डाइस के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी डी डाइस और एल डी डाइस। अब इस दो कंपाउंड में जो रिलेशन आएगा वो आगे हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल में देखें, मैंने एक जनरल सा एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे, तो डी डी डाइस और एल डी डाइस में जो रिलेशन आएगा वहां पे वो डाइस्टियोमर्स का आ जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे भी स्पेसिफिक एग्जांपल में। तो डी डी डाइस और एल डी डाइस में जो रिलेशन आएगा वो क्या रहेगा, डाइस्टियोमर्स का, यहाँ पे हम देख नहीं सकते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल जब लेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। अब जब ये डाइस्टियोमर्स का रिलेशन आ गया यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है एक, और इसको शॉर्ट हम लोग आगे लिखेंगे भी सिर्फ एफडी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड एफडी, इससे सेपरेट आउट कर पाएंगे यहाँ पे इस दोनों को। और मैंने बताया भी था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे यहाँ पे डाइस्टियोमर्स का रिलेशन आ जाएगा, तब ये डी डी डाइस और ये एल डी डाइस ये अलग हो जाएगा यहाँ पे, दोनों अलग अलग बीकर में आ गए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। अब जो डी डी डाइस है यहाँ पे है, इसका भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं कि यहाँ पे वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग इस केस में यहाँ पे, तो अब यहाँ पे डी अलग हो जाता है और डी डाइस अलग हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर स्पेसिफिक एग्जांपल में और भी क्लियर होगा, और ये क्या होगा एल और ये डी डाइस, तो डी डाइस तो अलग हो गया, डी डाइस यहाँ भी अलग हो गया। मेरा जो पर्पस था डी और एल को अलग करना, तो वो डी इधर अलग हो गया और ये एल इधर अलग हो गया यहाँ पे, बाकी डी डाइस भी अलग हो जाता है यहाँ पे और डी डाइस भी, तो मेनली डी और एल अब सेपरेट आउट हो गया। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे इसको नोट करो यहाँ पे है, और एक रिएक्शन यहाँ पे यूज होता है जो कि आगे हम लोग रिएक्शन में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, बट यहीं पे उसका यूज आ रहा था, मैं सिंपल एक रिएक्शन को लिख देता हूँ यहाँ पे है, और बाकी आसान सा रिएक्शन है उसमें, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कौन सा ग्रुप आ गया इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे एक हो एच ओ और आर, ये क्या है अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करता है कैसे बनेगा, मिक्सचर क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे आगे, बट अभी याद रखना है कि यहाँ पे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करता है ये क्या बनता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है आफ्टर रिएक्शन, इसलिए इसको हिट किया जाता है यहाँ पे। और आफ्टर रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, ध्यान से देखोगे इसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या हो जाता है ओ आर डैश, ये OH और H जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है वो क्या होता है वाटर बन के बाहर चला जाता है यहाँ पे। बस एक ये रिएक्शन याद रखना था यहाँ पे, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है वो क्या बन जाता है यहाँ पे ईस्टर,
कैसे बनता है तो आगे देखेंगे हम लोग। एंड इसी का जब उल्टा प्रोसेस करते हैं हम लोग यहाँ पे है कि जब कोई इस्टर हो RC डबल बॉन्ड ओ आर डाइस, ये क्या इस्टर है, और इस्टर का ये रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं हम लोग यहाँ पे है, ये फिर से क्या बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH और HOR डाइस, दैट मीन्स ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल फिर से मिल जाता है यहाँ पे। ये कैसे आ रहा हो ध्यान से देखोगे, ये जो वाटर आता है तो वाटर में क्या होता है OH और H, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बस इतना भी याद रखना है। तो C डबल बॉन्ड OH एसिड और ये R डैश OH अल्कोहल, इसी दो रिएक्शन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, एक ये रिएक्शन बोल लो इसको और एक ये दो रिएक्शन, क्योंकि तो इसका यहाँ पे यूज होता है हम लोग बस लिख लिया यहाँ पे है, दोनों रिएक्शन को तुम लोग भी लिख लोगे और यहाँ पे हम लोग इसको समझ पाएंगे। आप अब देखना है ध्यान से यहाँ पे इस केस में क्या होता है यहाँ पे, इसको जल्दी से नोट डाउन करो यहाँ तक। अब डी और एल में स्पेसिफिक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि डी और एल क्या हो इस केस में। ये दो रिएक्शन नोट डाउन कर लोगे सिंपली, एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करता है इस्टर बनाता है, और ये वाटर OH और H वाटर बन के बाहर जा रहा है, और ये दूसरा रिएक्शन है इस्टर का, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन हो जाएगा बेसिकली यही जो रिएक्शन है रिवर्सिबल होता है, और जब इस्टर का रिएक्शन वाटर के साथ हो जाए तो वो क्या बनाता है इसमें एसिड और अल्कोहल। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे कर लिए सब नोट डाउन कर लिए यहाँ पे, चलो ठीक है आगे फिर देखते हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है आगे देखते हम लोग। तो नोट नहीं किया तो नोट कर लो अभी इसको, तो नोट नहीं किया हो कुछ चीजें डायरेक्टली भी याद रखना है, डायसोमर्स पेयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट कर पाएंगे क्योंकि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, और जो इनान्समर पेयर है उसको फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, तो उसको फिर कैसे सेपरेट आउट करेंगे, केमिकल मेथड यूज करते हैं, और वो केमिकल मेथड का नेम क्या होता है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। और ये याद रखना कि केमिकल मेथड में जो रिएजेंट यूज करते हैं सेपरेट आउट करने के लिए, वो जो डी डाइस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं रिएजेंट, और वो रिएजेंट कैसा होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव ही क्यों होगा, मैंने एक पॉइंट पीछे लिखाया हुआ था, इनान्स्यूमर पेयर जो होता है वहां पे उसका डिफरेंट केमिकल बिहेवियर होता है टुवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के टुवर्ड्स ऑप्टिक जो उसका केमिकल बिहेवियर होता है वो सेम ही रहता है। तो जहां पे डिफरेंट केमिकल बिहेवियर है तो उसी को हम यूज करेंगे, दैट मींस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड जो कि केमिकल मेथड है उसमें रिएजेंट कैसा यूज करते हैं, वो याद रखना है कि प्योर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, प्योर वर्ड का मीनिंग अभी और क्लियर होगा आगे। कर लिए नोट डाउन कर लिया सब लोग, चलो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। आई होप यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लिए हो गया, चलो ठीक है लोग कंटिन्यू करते हैं फिर आगे यहाँ पे। अब देखोगे ध्यान से स्पेसिफिक एग्जांपल में यहाँ पे इस केस में ME का मतलब मिथाइल इथाइल, और ये सी डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और यहाँ पे HO, और एक कंपाउंड और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इस केस में ET ME H C डबल बॉन्ड OH। तुम्हों को पहले ये बताना कि इस दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या है, इनान्स्योमर्स है या नहीं है, चेक करके बताओ यहाँ पे। तो सिंपली मिरर इमेज से चेक करोगे अगर,
वो नहीं आ पाएगा यहाँ, मतलब मेरा जीमेल से भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे दो एक्सचेंज करना होगा। तो कन्फिग्रेशन वाइज अगर देखोगे यहाँ पे है, इसमें मैंने किया क्या, यहाँ पे है सिर्फ एक एक्सचेंज किया है, इस केस में सिर्फ एक एक्सचेंज किया है। तो जो एमई ऊपर था और ईटी नीचे था, ईटी को ऊपर ले गया और एमई को नीचे ले आया। तो जब एक एक्सचेंज होता है किसी भी एक कैरल सेंटर पे, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। और जब दो एक्सचेंज करते हो किसी एक कैरल सेंटर पे, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, एक एक्सचेंज हुआ है सिर्फ, एच यू एच तो एज इट इज है, सिर्फ एमई और ईटी को मैंने एक्सचेंज कर दिया है। इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो इनानोसोमर्स पेयर का ही होगा। ये दोनों कंपाउंड क्या, इनानसुमर पेयर है, रेस्टमी मिक्सर है यहाँ पे, अगर एक ही फिगर में रखा जा रहा है। अब इसी दोनों को सेपरेट आउट करना है। मान लेते हैं कि ये क्या है, डी है और ये एल है, अभी ये एक ही बीकर में यहाँ पे है, इसी दोनों को सेपरेट आउट करना है। तो इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, और वो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट जो होता है यहाँ पे, वो ले लो कोई यहाँ पे एम ई टी ओ एच अल्कोहल और ये एच। अब देखने कि ये जो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये अभी प्योर फॉर्म में, ये मिक्सचर के फॉर्म में नहीं है। ये डी और एल, ये एक दूसरे का जो इनानसुमर पेयर आ रहा था यहाँ पे है, तो ये मिक्सचर के फॉर्म में आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है, जो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये कैरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे है, तो ये भी क्या आ रहा था, सिंगल कैरल सेंटर, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, डी डाइस। अब सोचना यहाँ पे ध्यान से, इसी का रिएक्शन डी भी जो रिएक्ट होगा डी के साथ, डी डाइस बनाएगा, और एल के साथ भी रिएक्ट करे तो वो एल डी डाइस बनाएगा। अगर ये डी के साथ पहले रिएक्ट कराऊं मैं यहाँ पे, तो वो क्या बनेगा, इस केस में ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये क्या होगा, एच एम ई एज इट इज रहेगा, इसमें ई टी एज इट इज रहा था, इसमें क्या करना था। और बेसिकली यहाँ पे देखना है कि जो डी डाइस है वो ऐसा नहीं कि एक ही मोल है यहाँ पे, ये जितना रिक्वायर्ड होगा इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी रिएक्ट, दैट मीन्स दो मोल यहाँ पे आएगा। ये अब होता है क्या है कि ये अल्कोहल का एच, पीछे में पेज अगर ले जाओ यहाँ पे, इसमें क्या कर रहे थे, अल्कोहल का एच और एसिड का ओ एच यहाँ से बाहर जा रहा था वाटर बन के, यहाँ भी सेम काम करना था। एसिड का ओ एच और अल्कोहल का एच, ये जब बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाता, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ आ जाएगा, ये सिर्फ एच और ये ओ एच बाहर जाता, और ये सी डबल बॉन्ड ओ इस ऑप्शन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये एज इट इज भी रहेगा एम ई टी, और ये क्या होगा इसमें एच। अब एक और कंपोनेंट बनता है यहाँ पे है, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इस केस में, दैट मीन्स वो एल के साथ भी रिएक्ट करेगा, और एल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा, इसमें ईटी सेम टाइप का रिएक्शन होगा, एम ई एच और ये क्या होगा इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ये फिर एज इट इज एम ई टी और ये एच। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, डी डी डाइस और ये एल डी डाइस। अब यहाँ पे देखना है इस केस में, ये दोनों जो कंपाउंड है डी डी डाइस और एल डी डाइस, इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे। तो जब रिलेशन चेक करोगे यहाँ पे है, इसमें इसी जो यही जो कंपाउंड है एल डी डाइस, उसको नीचे ले आओगे यहाँ पे, इसका मिरर इमेज चेक करने का कोशिश करो यहाँ पे है। इसका जब मिरर इमेज चेक करोगे, इसमें यहाँ पे देखोगे इसको जब वर्टिकल कर दोगे 90 डिग्री से रोटेट करके, और इसको भी 90 डिग्री से रोटेट करके वर्टिकल कर दो, इसमें क्या रहेगा तुम्हें, एम ई लेफ्ट साइड दिखेगा और ई टी क्या होगा, राइट साइड दिखेगा। लेकिन इसमें एक ई टी और एक एम ई, ये लेफ्ट साइड दिखेगा और ये फिर राइट साइड दिखेगा। तो देखना है कि जो डी डी डाइस कंपाउंड है एल डी डाइस का, मिरर इमेज आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये सोच के बताना है तुम लोगों को, क्योंकि इसमें तो ई टी सेम साइड है और इसमें सेम साइड पे ई टी है ही नहीं। यहाँ पे सोचना कि ये मिरर इमेज डी डी डाइस और एल डी डाइस एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है, बताओ सब लोग बताओ इसमें। सही, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है इसमें यहाँ पे, नहीं है बिल्कुल नहीं हो पाएगा वहां पे, 4-5 लोगों के आंसर आ रहे हैं, सही है सबका, वो क्या होगा मिरर इमेज ही नहीं है। और मिरर इमेज ही नहीं होता अगर दो कंपाउंड एक दूसरे का, उसके बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा,
डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरोमर्स। क्लियर है यहाँ पे आप सब लोगों को, क्योंकि ये मिरर इमेज ही नहीं है, ये एक दूसरे का डायस्टेरोमर्स हो गया। और हम लोग जानते हैं कि डायस्टेरोमर्स को फिजिकल मेथड जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस दोनों को फिजिकल मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर पाएंगे। दैट मीन्स अब ये डी डाइस अलग हो गया यहाँ पे और एल डी डाइस अलग हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा इस केस में, मैं इसको अलग कर लेता हूँ यहाँ पे, एमई ईटी एच, और ये क्या होगा इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एमई ईटी और एच, और ये फिर अलग हो जाएगा यहाँ पे एल डी डाइस। मैं इसको अलग लिख देता हूँ यहाँ पे, ईटी एच एमई सी डबल बॉन्ड ओ ओ एमई ईटी और एच। अब क्या करना, ये जो ईस्टर आ रहा था इसी ईस्टर का रिएक्शन कर दो वाटर के साथ, जो मैंने पीछे बताया भी था। जब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, मैं पेज को पीछे लेता हूं, तो उसमें क्या मैंने बताया अभी कि जो सी डबल बॉन्ड और ओ के बीच ओ आर डैश आ रहा था, तो सी डबल बॉन्ड ओ के साइड वाटर का ओ एच और इस साइड एच को रखना यहाँ पे। इसमें क्या करोगे, यहाँ पर भी सेम काम, इसको जब इसके साथ जब वाटर रिएक्ट करता है सी डबल बॉन्ड ओ के साइड ओ एच और ये एच इधर आ जाता है आफ्टर रिएक्शन। ये क्या बन जाएगा इस केस में, एमई एच ईटी और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये क्या इसमें अल्कोहल, एमई ईटी एच और ये ओ एच। तो मेरा जो मैंने जिसको डी एज्यूम किया हुआ था, तो वो क्या आ गया अब यहाँ पे, यही तो डी था हमारा जिसको कि मैंने डी माना था यहाँ पे, और ये तो डी डाइस था, वो डी डाइस फिर से मिल पा रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा इस केस में यहाँ पे, मिनट में यहाँ पे अगर नीचे दिखा दूं, और यहाँ पे ये क्या था, ये डी डी डाइस था और ये एल डी डाइस था यहाँ पे। अब इसका भी रिएक्शन वाटर के साथ कर दोगे तो यहाँ पर भी सेम काम, सी डबल बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर ओ एच और इधर एच, जैसे ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई टी एमई एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एमई ई टी एच और ये ओ एच। मैंने यहाँ पे इसको जो माना हुआ था, ये एच ई टी ऊपर था, एमई नीचे था और सी ओ एच, ये एच ई टी एमई और ये सी ओ एच, यही तो एल था और ये डी डाइस। तो मेरा जो पर्पस था कि डी और एल को सेपरेट आउट करना, यहाँ पे डी अलग हो गया और एल अलग हो गया यहाँ पे। क्लियर है सबको यहाँ पे, एक रिएक्शन यहाँ पे याद रखना था ईस्टर वाला, बाकी और वो रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी लोग पढ़े नहीं इसलिए मैंने याद रखने के लिए बोला है, बाकी पढ़ लेंगे तो वो फिर अपने आप पता चलेगा कि कैसे कैसे वो प्रोसीड करता है वहां पर। इसको जल्दी से नोट कर लो यहाँ पे सब लोग, ये जो डी और एल आ रहा है किसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनानसमर पेयर। और इनानसमर पेयर यही इक्वल अमाउंट में आ रहा है, यही रेशमी मिक्सचर भी है, जो वर्ड यूज किया जाए कि रेशमी मिक्सर या इनानसमर पेयर। सर हाँ बताओ, सर वो पहले दो कंपाउंड इनानसोमर्स कैसे हुए, वो तो मिरर इमेज नहीं है ना। नहीं मैंने दो तरीका बताया हुआ था इनाम सुमर का, या तो मिरर इमेज देखना चाहो तो मिरर इमेज से भी देख सकते हो। कि मिरर इमेज देखने के लिए पहले क्या करोगे इसमें यहाँ पे, कि जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड में, फर्स्ट कंपाउंड में एम ई कहाँ पे ऊपर है और ई टी नीचे है, तो जो सेकेंड कंपाउंड जो कि एल है उसको भी वर्टिकल लाइन पे उसके जैसा बना लो। इसमें क्या करोगे, इसमें एम ई को ऊपर ले जाओ, एल वाले को एम ई को ऊपर ले गए और ई टी को नीचे लाए यहाँ पे, और ये एक ही एक्सचेंज हुआ है अभी, और जब भी अपने मन से करते हैं तो दो एक्सचेंज करेंगे, एम ई को ऊपर ले गए ईटी को नीचे लाए, और जो सी ओ एच है उसको भी इधर ले आओ यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच को इधर लाओ। अब डी का देखना है कि ये मिरर इमेज है या नहीं है, अब दिख रहा होगा कि ये डी का मिरर इमेज आ रहा है यहाँ पे, जब मिरर लगा होगा ये मिरर इमेज है एक दूसरे का। क्यों ऐसा कर रहे हैं, दो एक्सचेंज क्यों किया, पर्पज क्या है मेरा, एमई और ईटी इसमें वर्टिकल लाइन पे था, एमई टॉप पे था, मुझे यहाँ भी एमई को टॉप पे लाना था, एमई को जब ऊपर ले जाएंगे ईटी को नीचे लाएंगे,
एक ही एक्सचेंज होगा, उससे कन्फिग्रेशन चेंज होगा एल का, मुझे कन्फिग्रेशन सेम रखना है एल का, इसलिए मैंने सी एच को इधर कर दिया और एच को इधर कर दिया। अब ये डी का मिरर इमेज जा रहा है, डेट मीन्स ये इनान्समर पेयर है, या कन्फिग्रेशन वाइज मैंने दूसरा तरीका बताया हुआ था कि कन्फिग्रेशन वाइज इसका अगर कन्फिग्रेशन निकालोगे आर और एस में, इसका अगर आर आ रहा होगा तो इसका एस आ जाएगा, या इसका एस होगा तो इसका आर आ जाएगा, यहाँ पे डेट मीन्स ये इनान्समर पेयर है। क्लियर है अब? हाँ सर। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से सब लोग, और इसके बाद हम लोग फिर एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे बोर्ड पे ही। यही जो डी डाइस है ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पे प्योर ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके साथ जो रिएजेंट को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे डी और एल के साथ, ऑप्टिकली एक्टिव। ओ ए का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव हो। इसका तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन भी है कि ऑप्टिकल रिजोल्यूशन प्रोसेस में रिएजेंट कैसा यूज करते हैं, उसमें अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया, तो वहां पे क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कर लिया नोट यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है, बाकी लोग भी? तो ठीक है, नोट डाउन कर ले सब लोग, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट जो है इसमें एक टर्म है स्पेसिफिक रोटेशन, तो ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इसका एक डिफिनेशन, उसको पहले नोट डाउन करना यहाँ पे। स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू, प्लेन पोलराइज्ड को शॉर्ट में क्या बोलते थे, पीपीएल, इज पास थ्रू, ये डिफिनेशन साथ में नोट करते जा सकते हो, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल इज पास थ्रू एन ऑप्टिकली, एन ऑप्टिकली एक्टिव, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑफ 1 ग्राम, कंपाउंड ऑफ 1 ग्राम, ऑफ 1 ग्राम पर एमएल सॉल्यूशन, ऑफ 1 ग्राम पर एमएल सॉल्यूशन kept in 1 decimeter,
kept in 1 decimeter length cube. Then optical rotation found. Then optical rotation found is called. Then optical rotation found is called specific rotation. अब इसमें एक टर्म आ रहा है, इस पॉइंट को समझते हैं, लेकिन इसमें टर्म पहले भी आ रहा था, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट. अब उसको डिफाइन कर लेते हैं, ये पीपीएल क्या होता है. प्लेन पोलराइज लाइट अब यहीं पे सब कुछ आएगा, पूरे जितना भी हम पीछे पढ़े ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबका कंक्लूजन. प्लेन पोलराइज लाइट ये क्या रहेगा यहाँ पे, पीपीएल. अब इसको डिफाइन करना यहाँ पे कि प्लेन पोलराइज लाइट का डिफिनेशन क्या रहेगा. व्हेन ऑर्डिनरी लाइट या नॉर्मल लाइट बोल सकते हैं, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है, पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म देन इट हैज इट्स ऑल ऑसिलेशन. देन all its oscillation in one plane is called temporal PPL. अब इसको समझना यहाँ पे दोनों डेफिनेशन को एक साथ कि पीपीएल क्या होता है. तो इसको पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से, मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करूंगा, एक डायग्राम है बेसिकली. तो प्लेन लाइट का डेफिनेशन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का लाइट होता है. व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म देन इट्स ऑल ऑसिलेशन इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में आ जाता है, इज कॉल्ड पीपीएल प्लेन फॉर लाइट. चलो इसको नोट डाउन कर, मैं इस पेज पे फिर से आऊंगा, डिफिनेशन पे भी फिर से आऊंगा अगर नोट नहीं किया है. अब देखने को अगर ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट का को या कोई कैंडल उसको अगर सेंटर पे रख के मैं एक डायग्राम ड्रॉ, नोट नहीं कर, मैं आता हूँ उस पेज पे अभी भी. अब क्या होगा यहाँ पे, कोई अगर ऑर्डिनरी लाइट है, मान लो कि ये सर्कल है, यहाँ पे ध्यान से देख लोगे यहाँ पे अभी कि बीच में अगर यहाँ पे कैंडल लाइट जलाते हो इस केस में यहाँ पे, इसका जो उस लाइट का डायरेक्शन होगा हर एक डायरेक्शन में जाएगा, जितना भी 2D 3D जितना भी डी रहेगा इसमें हर एक डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में भी इसका लाइट जाएगा, इस प्लेन में भी होगा, यहाँ पे इस प्लेन में भी, जितना डिफरेंट प्लेन हो सकता है हर एक प्लेन में लाइट का डायरेक्शन जाएगा, यहाँ पे इस प्लेन में भी होगा. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये ऑर्डिनरी लाइट है यहाँ पे, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो हर एक प्लेन में जा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट. ध्यान से देखना यहाँ पे सब लोग, कंक्लूजन सब कुछ यहीं पे आएगा. अब इसी ऑर्डिनरी लाइट को एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जिसको तुम लोग बोलते हैं निकोल प्रिज्म. इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, निकोल प्रिज्म. इसका ये प्रॉपर्टीज होता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है जिसका कि डायरेक्शन अभी हर एक प्लेन में जा रहा है लाइट, इस जो हर एक प्लेन में लाइट है उसको एक फिक्स प्लेन में कर देता है. जब उसको एक फिक्स प्लेन में कर देता है यहाँ पे है, दैट मीन्स इसका एक फिक्स प्लेन हो जाएगा इस टाइप का, सिर्फ इसी प्लेन में दिखेगा वो लाइट यहाँ पे.
निकोल प्रिज्म का प्रॉपर्टीजी होता है, वो क्या करता है यहाँ पे, हर एक प्लेन में जो लाइट जा रहा था ऑर्डिनरी लाइट, ऑब्वियसली बात है जो ऑर्डिनरी लाइट है वो तो हर एक प्लेन में जाएगा, बट निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद उसका एक फिक्स प्लेन हो जाता है, इसका जितना भी ऑसिलेशन है वो सिर्फ एक प्लेन में आ जाता है, सेम प्लेन में। और यही जो एक प्लेन में आ गया इसी को क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पे, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल, इसका एक फिक्स प्लेन हो गया यहाँ पे। अब इसी पीपीएल को क्या करते हैं यहाँ पे है, ध्यान से देखना है, एक ट्यूब होता है यहाँ पे, एक ट्यूब है यहाँ पे है, तो पीपीएल क्लियर हो गया। पीपीएल जो हम लोग पहले भी वर्ड आ रहा था, पीपीएल क्या है, तो ऑर्डिनरी लाइट को ही, नॉर्मल लाइट को ही निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो वही क्या बन जाता है, पीपीएल। पीपीएल को उसका जो लाइट का एक फिक्स प्लेन हो जाता है, तो उसी को क्या बोल पा रहे हम लोग, पीपीएल। अब इसी पीपीएल को एक ट्यूब होता है, और ये जो ट्यूब है इसको मैं बोलता हूँ पोलरीमीटर ट्यूब, और इस एक्सपेरिमेंट को मैं नाम भी देता है यहाँ पे, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। और ये जो ट्यूब रहता है इसमें, इसी ट्यूब को क्या बोलते हम लोग, पोलरीमीटर ट्यूब। अब इस ट्यूब का लेंथ क्या होगा यहाँ पे है, इस ट्यूब का जो लेंथ रहता है इस केस में यहाँ पे वो 1 डेसीमीटर, जो कि मैंने डिफिनेशन में लिख रखा था यहाँ पे, ध्यान से देखना कर रहा हूँ, ये डिफिनेशन अगर देखोगे स्पेसिफिक रोटेशन का, मैंने लिखा हुआ था कि केप्ट इन 1 डेसीमीटर लेंथ ट्यूब, जो ट्यूब जो पोलरीमीटर ट्यूब है उसका लेंथ क्या होगा, 1 डेसीमीटर। नेक्स्ट है इसमें, इसी ट्यूब को क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब। अब इसी ट्यूब में सॉल्यूशन रखते हैं यहाँ पे, और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या रहेगा यहाँ पे है, वो भी डिफिनेशन में लिखा हुआ है, 1 ग्राम पर ml। उसका जो हम लोग जो भी कंपाउंड है उसका जो हम लोग सॉल्यूशन जो होगा वहां पे, वो जो सॉल्यूशन आ रहा होगा उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या लेंगे यहाँ पे, 1 ग्राम पर ml। नीचे लिख देता हूँ हीरो लगा करके, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा इसमें, 1 ग्राम पर ml। उसका जो यूनिट यूज करते हैं वो ग्राम पर ml। अब देखना यहाँ पे, अब इस केस में, अब इस पीपीएल को जैसे इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराता है यहाँ पे, इसमें 2 पोलरिटी है। अब इसमें जो आप ध्यान से सुनना यहाँ पे, किस पोलरीमीटर ट्यूब में सुन लोगे उसके बाद नोट करोगे, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। अब इस यहाँ पे जो कंपाउंड है इस ट्यूब में, जो जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन रखा गया है, डिफिनेशन एक बार फिर से रीड करो, इस पार्ट थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब यहाँ पे देखना है, इस ट्यूब में जो जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता कि किस कंपाउंड का सॉल्यूशन है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, बट जैसे जो भी सॉल्यूशन है, और इस पीपीएल को इस ट्यूब से पास करा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे इस पीपीएल को आप देखने, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर ये तो लार्ज इसमें डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, ये ट्यूब इसमें स्मॉलर दिखाया जा रहा है, तो प्रॉपर सेम साइज का है, उसमें वैसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, वो दैट मीन्स ये भी और स्मॉलर बनाते तो इस टाइप से मतलब पास कर जाता ये पीपीएल, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि सर कैसे पास करेगा। जैसे ये पीपीएल इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराते हैं, और इसमें जो सॉल्यूशन रखा गया है वो पता करना हम लोगों को किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो पीपीएल को पास करा दिया इस ट्यूब से। अब 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, या तो जो पीपीएल है इस केस में जब पास करेगा तो वो बिना डिफ्लेक्शन के पास कर जाएगा ये पीपीएल, दैट मीन्स इसका जो यहाँ पे पीपीएल का जो प्लेन है वो अभी भी वही प्लेन रह गया यहाँ पे, कोई रोटेशन नहीं हुआ इसका यहाँ पे। और दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है, ये पीपीएल रोटेट कर जाए यहाँ पे, तो जब पीपीएल इस ट्यूब से पास करा रहे हैं और पीपीएल बिना रोटेशन के पास कर गया, बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गया, दैट मीन्स हम लोग समझ पाएंगे इस ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब ये पास कर जाता है यहाँ पे है, जब पीपीएल को इससे पास करा, जब ये दूसरा पॉलिटी ये रोटेट कर जाए, और जब ये रोटेट करता है यहाँ पे, ध्यान से देखना है इस केस में कि जब ये रोटेट करेगा तो ओरिजिनल पहले इस टाइप का रहा होगा इसमें जो कि दिखाया जा रहा है, और आफ्टर रोटेशन ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे, ये थीटा एंगल से
जो ये प्लेन है वहां पे वो रोटेट कर गया, ये पीपीएल जो वो थीटा एंगल से रोटेट कर गया जब इस ट्यूब से पास करा रहा है। अब ये रोटेशन भी दो टाइप का हो सकता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है यहाँ पे है, और ये रोटेशन थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यहाँ पे ऊपर सर्कल तुम लोग बनाओगे, यहाँ पे है, ये क्या था ओरिजिनल यहाँ पे था पीपीएल, अब ये क्या है थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है यहाँ पे, ये थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। दैट मीन्स किसी भी क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे ये पीपीएल, उससे मतलब नहीं है। रोटेट कर गया ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ये याद रखना यहाँ पे। तो अगर पीपीएल बिना रोटेशन के पास कर गया इस पोलरिमीटर ट्यूब से, दैट मीन्स वो कैसा कंपाउंड का सॉल्यूशन इस ट्यूब में रखा गया होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड का। और ये पीपीएल जब इस ट्यूब से पास करा रहे हैं और वो रोटेट कर जा रहा है कुछ एंगल से, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, हम लोग समझ पाएंगे इस ट्यूब में कैसा सॉल्यूशन रखा गया होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा, तभी वो पीपीएल को रोटेट करा पा रहा है यहाँ पे। ये दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे ओ ए, और ये भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है यहाँ पे क्लॉक वाइज, इसका जो नेम होता है इस कंपाउंड का, कोई कंपाउंड अगर पीपीएल को क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है, इसको बोलते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और ये जो आ रहा है अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है, इसको हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी कंपाउंड, लिवो रोटेटरी कंपाउंड। अब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है इसको हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं यहाँ पे स्मॉल डी से या फिर प्लस साइन से। और जो इस लिवो रोटेटरी होता है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, स्मॉल एल से और माइनस साइन से, दोनों में से किसी का यूज किया जा सकता है। इसको पहले नोट डाउन कर लो, यहाँ तक मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको कि ये क्या रहता है यहाँ पे। स्पेलिंग में दिक्कत आ रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, डी ई एक्स टी ओ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये क्या एल ई ए बी ओ लिवो रोटेटरी कंपाउंड। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने जो पीछे बताया था एक था कैपिटल डी, इसको नोट भी करते रहो, कैपिटल डी और कैपिटल एल वो किसी कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन को बताता था, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड के समय में कैपिटल डी और कैपिटल एल का कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या बताता है, किसी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताता है कि पीपीएल का रोटेशन को बताता है, कि पीपीएल अगर क्लॉक वाइज रोटेट किया है पोलरिमीटर ट्यूब से पास करने के बाद, दैट मीन वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो फुल फॉर्म है वो स्मॉल डी का है, और अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट किया है दैट मीन्स वो क्या होगा वहां पे लिवो रोटेटरी, और इसको स्मॉल एल को बोला जाता है। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताता है, पीपीएल के रोटेशन को बताता है, जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या बताता है, किसी कायरल सेंटर का कन्फिगरेशन बताता है फिशर प्रोजेक्शन में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कैपिटल डी और स्मॉल एल डी। Thank you.
अब देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, अब यहाँ पर लोग कंक्लूजन जितना भी पीछे पॉइंट पड़े हुए, तो हर एक पॉइंट को इसी डायग्राम के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। तो आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ पे। अब देखना, मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसको हम दो तरीके से चेक करते थे। एक तो हमारा थ्योरेटिकल वे था। थ्योरेटिकल वे क्या क्या था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को चेक करने के लिए? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रजेंट नहीं हो, तो दोनों प्रजेंट नहीं है तो वो कैसा कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव? वो हमारा थ्योरेटिकल वे था। एक्सपेरिमेंटल वे क्या है? एक्सपेरिमेंटल वे ये है यहाँ पे कि उस कंपाउंड का मुझे पता नहीं कि वो कोई भी कंपाउंड है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उस कंपाउंड को यहाँ पे रख देंगे इस पोलरिमीटर ट्यूब में, और उस ट्यूब से पीपीएल को पास करा देंगे, उस कंपाउंड के सॉल्यूशन को से पीपीएल को पास करा देंगे। पीपीएल बिना रोटेशन के, बिना डिफ्लेक्शन के पास कर गया, हम लोग समझ पाएंगे वो जो कंपाउंड का सॉल्यूशन है वो किस कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन है। और पीपीएल अगर रोटेशन, पीपीएल अगर रोटेट कर गया, चाहे क्लॉक वाइज रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करे, किसी भी डायरेक्शन में अगर रोटेट कर गया तो कैसा कंपाउंड का सॉल्यूशन होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन रहा होगा इस ट्यूब में। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? ये एक्सपेरिमेंटल वे होता है, एक्सपेरिमेंटल वे होता है किसी भी कंपाउंड को पता लगाने का कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब आगे बढ़ना था यहाँ पे। अब मैंने मीजो कंपाउंड में, जो मीजो कंपाउंड होता था उसमें मैंने एक पॉइंट लिखाया हुआ था, सारा पॉइंट जाकर के देखो पीछे कि मीजो कंपाउंड जो था वो भी क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मीजो कंपाउंड का ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन क्या था बता कोई इसमें, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। देखो पीछे पलट के देखो कोई यहाँ पे, तो ऑप्टिकली मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, क्या रीजन था? इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएम। सही है। तो वहां पे जो स्टेटमेंट आ रहा था, तो वहां पे उस स्टेटमेंट को वहां पे मैं बता नहीं सकता था, इसलिए वहां पे अब यहाँ पे सबको समझ गए कि पीपीएल क्या है। और यही जो थीटा है यहाँ पे, जो जितने एंगल से रोटेट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल रोटेशन। और यही जो थीटा है वो ऑप्टिकल रोटेशन है, और थीटा जो आ रहा है यहाँ पे वो स्पेसिफिक जो यहाँ पे लिया जा रहा है वैल्यू 1 डेसीमीटर और 1 ग्राम पर ml में अगर आ रहा है, इसी 1 डेसीमीटर और 1 ग्राम पर ml में आ रहा है, इसी थीटा को क्या बोल पाएंगे हम लोग, स्पेसिफिक रोटेशन भी बोलते हैं वहां पे। तो इन जनरल ऑप्टिकल रोटेशन, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं यहाँ पे 1 डेसीमीटर और 1 ग्राम पर ml, इसी थीटा को फिर हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन भी बोल पाते हैं। उस पॉइंट में दोबारा आऊंगा यहाँ पे। अभी हम लोगों को देखना था यहाँ पे कि इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब है कि जो पीपीएल है वो रोटेट ही नहीं किया यहाँ पे है, इंटरनली जो है यहाँ पे पीपीएल जो है एक्चुअल में रोटेट ही नहीं किया। तो जो मीजो कंपाउंड होता है वो पीपीएल को रोटेट ही नहीं करा पाता यहाँ पे है, वो क्या रहता है वहां पे, इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। और आज मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, अगर कुछ याद हो, कि जो रेस्वे मिक्सर होता था वो क्या होता था, मैं एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया हुआ था अभी उसी को ले लो यहाँ पे, CH3OH कोई भी एक कंपाउंड ले लो, और इसका एक मिरर इमेज यहाँ पे OH, COH, H और CH3, इसके बीच में रिलेशन क्या, इनान्सिओमर पेयर का रिलेशन है। अब देखना है कि ये, और इनान्सिओमर पेयर का रिलेशन किस दो कंपाउंड का होता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है यहाँ पे। अब क्या होता है, और ये एक को अगर डी मान रहे हैं और तो एक को एल, तो मैंने यहाँ पे जो डी और एल एज्यूम किया हुआ तो उसका भी कुछ स्पेसिफिक रीजन था। मैंने यहाँ पे क्या माना था कि डी और एल, तो एक क्या है डेक्सट्रो रोटेटरी और एक एल क्या यहाँ पे है लिवो रोटेटरी। क्लियर है सबको? यहाँ पे मैं डी और एल इसलिए माना था रेस्वे मिक्सचर में, एक को डेक्सट्रो रोटेटरी बोलता हूँ और एक को लिवो रोटेटरी। आगे आता अभी यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे ये जो रेस्वे मिक्सचर है एक, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जो इनान्सिओमर पेयर होता है दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बीच के रिलेशन को बताता है वहां पर। अब देखो था कि रेस्वे मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, इसका रीजन क्या था? स्टेटमेंट रीड करो फिर से। रेस्वे मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू,
एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. सही है, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, उसका भी मीनिंग यहाँ पे समझते हैं. और वो पॉइंट अगर समझते हो इंटरनल कंपनसेशन का मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो पाएगा. तो हम लोग एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब समझते हैं. तो एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब ये है कि ये जो रेस्वी मिक्सचर है, इनानसुमर पेयर है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है. तो अगर ये जो फर्स्ट वाला है, डेट मीन्स डी वाला फॉर्म, एक फॉर्म अगर क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है कुछ एंगल थीटा से, 20 डिग्री मान लिया, 10 डिग्री मान लो, कुछ भी क्लॉक वाइज रोटेट करा रहे हैं, प्लस का मतलब क्या है क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉक, ये अगर प्लस 20 से रोटेट करा रहा है क्लॉक वाइज, इसका जो मिरर इमेज होगा इसी कंपाउंड का जिसके साथ के इनानसुमर रिलेशन आ रहा है इसका, इसी का जो मिरर इमेज जो कि एल आ रहा है यहाँ पे है, वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कराएगा सेम मैग्नीट्यूड से, माइनस 20 डिग्री से. अब एक पॉइंट इनानसुमर्स में जा करके देखो तुम लोग, इनानसुमर्स में मैंने एक पॉइंट बताया हुआ था जहाँ पे इनानसुमर टॉपिक पढ़े थे, वहां पे मैंने एक पॉइंट बताया होगा इनानसुमर्स में, जो इनानसुमर पेयर होता है वो क्या रहता है, सेकंड पॉइंट ही होगा वहां पे, कि टू इनानसुमर्स कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन. देखो पिच प्लॉट करके प्रॉपर टाइम में दे रहा हूँ, ऐसा पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वहां पे, जो दो इनानसुमर पेयर था वो पीपीएल को रोटेट करा पाएगा, और एक अगर पीपीएल को क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है तो दूसरा क्या हो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कराएगा अपोजिट डायरेक्शन में विथ इक्वल मैग्नीट्यूड. एक अगर 20 डिग्री से क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है तो दूसरा जो होगा दूसरा पेयर उसका वो एंटी क्लॉक वाइज दैट मीन्स माइनस 20 डिग्री से रोटेट कराएगा इक्वल मैग्नीट्यूड विद अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है वहां का ये पॉइंट जो हम लोग इनानसुमर पेयर में लिखे हुए थे. फिर से आता है यहाँ पे, अब जो रेस्वी मिक्सचर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है उसका रीजन क्या है, तो अगर एक ये कंपाउंड प्लस 20 डिग्री से रोटेट करा रहा है और दूसरा अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करा रहा है माइनस 20 डिग्री से यहाँ पे, तो दोनों को अगर एक साथ, इस दोनों कंपाउंड को अगर एक साथ इस ट्यूब में रख दिया जाए, तो दोनों कंपाउंड को एक साथ रख दिया जाए इस ट्यूब में, तो रोटेट तो कराएगा वो प्लस 20 और एक माइनस 20, बट वो एक्सटर्नली बैलेंस कर लेगा वहां पे. और जब वो एक्सटर्नली दैट मीन्स बाद में एक्सटर्नली वो क्या करता है बैलेंस कर लेगा, और जब एक्सटर्नली बैलेंस कर लेता तो एक प्लस 20 और एक माइनस 20 वो ओवरऑल स्टैच लगेगा कि वो रोटेट या ही नहीं है वहां पे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दैट मीन्स ये जीरो एक्चुअल में रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये प्लस 20 ये माइनस 20 से रोटेट कराएगा, एक्चुअल में रोटेट करता है, बट एक्सटर्नली दोनों एक साथ अगर रख दिया जाए इस ट्यूब में मिक्सर के फॉर्म में, एक प्लस 20 एक माइनस 20, तो एक्सटर्नली दोनों रोटेट जो रोटेशन होता है वो बैलेंस कर लेता तो वो जीरो डिग्री रोटेशन हो जाता है, और जीरो डिग्री रोटेशन हो गया दैट मीन्स वो लगेगा कि रोटेट या ही नहीं पीपीएल, और पीपीएल जब रोटेट कर ही नहीं रहा है वहां पे, वो क्या होगा उस केस में ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है वहां पे कंपाउंड. तो जो रेस्वी मिक्सचर है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्यों, क्या रीजन था, एक्सटर्नल कंपनसेशन, दैट मीन्स रोटेट तो करता है बट एक्सटर्नली बैलेंस कर लेता है, जिसके चलते उसका रोटेशन कैसा लगेगा जीरो, कैसा हो जाता है रोटेशन उसका जीरो, दैट मीन्स वो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है वहां पे. क्लियर है ये दोनों पॉइंट सब लोगों को, इसका मीनिंग क्या रहेगा वहां पे, इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल एंड एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल. मैंने बहुत ही यहाँ पे क्लियरली बताया दोनों को कि जो मीजो कंपाउंड हो वो बिल्कुल रोटेट ही नहीं करेगा, क्योंकि मीजो कंपाउंड का रीजन क्या था ऑप्टिकल इनएक्टिव होने का, इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल का मतलब वो रोटेट ही नहीं किया, और एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या है, वो रोटेट तो करता है वहां पे बट बाद में जाके एक प्लस 20 और एक माइनस 20 होता है तो एक्सटर्नली बैलेंस कर लेता है, जिसके लिए वो बोलते हैं रेस्वी मिक्सचर क्या होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव. चलो यहाँ पे ये समझ लिया हम लोग इस केस में, ये डायग्राम सिर्फ नोट करने की जरूरत है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. पीछे का जितना भी पॉइंट है इस डायग्राम के बेसिस पे समझ पा रहे हैं वहां पे. अब यहाँ पे देखना था इसमें जो थीटा आता है, इस केस में थीटा जो यहाँ पे ले रहे हैं ऑप्टिकल रोटेशन,
थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब. थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब. सी क्या यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम किस यूनिट में ले रहे हैं? ग्राम पर एमएल में. और एल क्या यहाँ पे? लेंथ ऑफ द ट्यूब. कौन से ट्यूब की बात कर रहे हैं? पोलरीमीटर ट्यूब का. एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को एक्सपेरिमेंटली पता करने के लिए कौन सा ट्यूब यूज करते हैं, तो क्या रहता है? पोलरीमीटर ट्यूब. एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द ट्यूब. अब यहाँ पे देखना था इस केस में, तो दोनों थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे है. अब जब यहाँ पे थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाओगे यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाना होगा यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू अल्फा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. अल्फा सी इंटू एल तो है यहाँ पे है. अब यहाँ पे अल्फा को हम लोग अगर इधर ले लें यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा? सी बाय एल को नीचे ले जाना था वहां पे, थीटा बाय सी इंटू एल इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे सोचना था ये जो अल्फा है, इसी अल्फा को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे, स्पेसिफिक रोटेशन. और ये जो थीटा आ रहा है इस केस में यहाँ पे, तो थीटा क्या होता है यहाँ पे? ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन. और ये सी एल क्या होगा इस केस में? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब. इस टाइप से सोचना था यहाँ पे. अब यहाँ पे देखोगे इस केस में कि अगर सी और एल का अगर वन वन वैल्यू ले लेते हैं, कंसंट्रेशन भी वन और लेंथ का ये वन ग्राम पर एम एल, और जो लेंथ है वो भी वन अगर ले लेते हैं वहां पे है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा का. दैट मीन्स अल्फा और थीटा कुछ नया नहीं है. ऑप्टिकल रोटेशन जब कंसंट्रेशन और लेंथ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, तो वही स्पेसिफिक रोटेशन बन जाता है वहां पे. एक ही रिलेशन याद रखना यहाँ पे है. और इसमें जो रहता है इस केस में, यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू देते हैं इस केस में. यहाँ पे पीपीएल आ रहा है, प्लेन और लाइट आ रहा है, तो लाइट का कुछ वेवलेंथ होगा यहाँ पे है लेमडा. और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होता है, तो लेमडा और टेम्परेचर, दैट मीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तभी ये कैलकुलेशन कर पाते हैं यहाँ पे. ये लेमडा और टी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, कि टी क्या है? टेम्परेचर. मेंशन भी कर लोगे टी क्या रहा यहाँ पे? टेम्परेचर. और लेमडा क्या है यहाँ पे? है वेवलेंथ, वेवलेंथ. ये कांस्टेंट वेवलेंथ एंड टेम्परेचर पे ये कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग. नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे है, एक ही रिलेशन नोट कर लो यहाँ पे, और एक लास्ट पॉइंट बस नोट डाउन करना बाकी रह गया यहाँ पे. अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है यहाँ पे, स्पेसिफिक रोटेशन, बस ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना था. स्पेसिफिक रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम, स्टेप लिख सकते हो, इस पार्ट को मैं रेज करता हूँ यहाँ पे है. स्पेसिफिक रोटेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे. तो जब फार्मूले में देखोगे कि स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, वो लग रहा है कि सी एंड एल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जिस रेशियो से सी इंटू एल का मल्टीप्लीकेशन इंक्रीज करता है, उसी सेम रेशियो से थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज कर जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे सी और एल जो आ रहा है इस केस में, इसका जो मल्टीप्लीकेशन जिस रेशियो से इंक्रीज करता है, उसी रेशियो से तुम्हारा थीटा भी इंक्रीज करता है यहाँ पे.
तो जब ये सेम यूनिट से थीटा भी इंक्रीज कर रहा है और इस दोनों का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करता है सेम यूनिट से, तो जो अल्फा है जो स्पेशल रोटेशन है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो ट्यूब के लेंथ पे और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही अगर ये इंक्रीज करेगा सी और एल तो थीटा भी इंक्रीज कर जाएगा, तो ओवरऑल जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना था। और आज के लेक्चर में किन्हीं को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है यहाँ पर, कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में। और यही हमारा पूरा कंक्लूजन था यहाँ पे। नो में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता कभी, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता, और में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप से। बट अगर आता भी है तो कर सकते हो, जनरली जेई में आता है, नो में ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बट ये फार्मूला याद रखना यहाँ पे, कॉन्स्टेंट लेमडा और टेम्परेचर पे ये कैलकुलेशन करते हैं, बाकी लेमडा और टेम्परेचर चेंज कभी नहीं होगा, फिक्स वेवलेंथ और टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि लाइट है वेवलेंथ उसका कुछ ना कुछ होगा तो उसको हम लोग फिक्स कर दिए यहाँ पे। क्लियर है सब लोगों को? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक लेक्चर और लगेगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, वैसा एक फार्मूला बेस्ड आता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा वो लास्ट में वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा। अब इसमें तुम लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हो करना, सिर्फ एक सेक्शन को छोड़ करके कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रियो आइसोमर्स उसको छोड़ करके उससे पहले का जितना भी सेक्शन है वो कर पाओगे। वहाँ पर जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें सेक्शन का नेम लिखा हुआ है ऊपर, तुम लोग खुद देख करके कर सकते हो सॉल्व। और शायद बुकलेट मिलना शुरू हो गया तो पाठक सर मैसेज करेंगे ग्रुप पे, तो हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का बुकलेट भी सेंटर पे जाकर के तुम रिसीव कर सकते हो, बट वो मैसेज किया जाएगा ग्रुप पे। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में कोई किन्हीं को डाउट हो तो पूछ सकते अभी भी, सारा कुछ बोर्ड पे है। एक बार दोबारा सारा पॉइंट को तुम पढ़ोगे जितना पीछे का पॉइंट है और इससे रिलेट करने की कोशिश करोगे और भी क्लियर हो जाएगा। अगर बैठ के अगर एक घंटे पढ़ ले तो आप पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मैं सेशन एंड करता हूँ अभी यहीं पे। और बाकी कुछ लोग लेक्चर मिस करते हो लास्ट में, स्पेशली ज्वाइन तो करते हो बट लास्ट में 5-10 मिनट पहले ही या 15 मिनट पहले ही यहाँ पे सेशन छोड़ के चले जाते हो, तो ठीक है, हो सकता है भूख लग जाता हो तो उतना रेडी करके बैठो, या हो सकता है कि लास्ट में लग रहा है कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो थोड़ा हाँ तो पेशेंस रखना पड़ेगा उसमें। डॉक्टर बनोगे थोड़ा हाँ तो पेशेंस रख के ही डॉक्टर बन सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में, अगर लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है उसमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें, सर से दोबारा पूछना है मुझे, आज नहीं फिर दूसरे लेक्चर में कुछ उसको क्लियर करना है, तो फिर धीरे धीरे हो पाएगा चीजें क्लियर। क्योंकि ऐसा नहीं कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में कोई या बायो में कोई टफ टॉपिक आ गया उसको छोड़ दिए, छोड़ना नहीं उसको, जैसे भी उसको करना है। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर, अभी सब लोग नोट डाउन भी कर लिया होगा यहाँ तक। ठीक है, अटेंडेंस में मेरे पास सारा कुछ अटेंडेंस आता है यहाँ पे, आज मैं ग्रुप पे भी सेंड करता हूँ, जैसे कि बाकी सर भी अटेंडेंस मेरे पास भी सारा है, लोगों को पता भी नहीं चलता मेरे पास अटेंडेंस आ जाता है, मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, आगे से ध्यान भी रखोगे सब लोग। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ अभी यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास भी है। बाकी रिकॉर्डिंग वीडियो में डाल दूंगा, जिन लोगों को दिक्कत है फिर से देखना हो फिर से सुनना हो वहाँ पे सर ने क्या बताया तो देख सकते।